आज मैं आपको मिर्च के ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि हमें मिर्च के ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा रूट स्टॉक चाहिए। वैसे तो हम मिर्च के ग्राफ्टिंग के लिए कोई भी रूट स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मेन जो उद्देश्य है वह पौधे को बीमारी से बचाना है और साथ ही अच्छा उत्पादन लेना है अच्छे बड़े पौधों के साथ, तो हमें मिर्च के इस सामने दिख रहे जंगली प्रजाति का उपयोग करना रहता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वह है कैप्सिकम फ्रूटसेंस। जैसे कि देख सकते हैं इसके जो फल होते हैं इस तरह से नीचे आधार की ओर चौड़े होते हैं और ऊपर की ओर संकरे होते जाते हैं, इस तरह से त्रिकोणीय होते हैं। कैप्सिकम फ्रूटसेंस की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें ये दूसरा वाला, इसे हम बर्ड आई चिली के रूप में जानते हैं। इससे पहले हमने जो पौधा देखा था कैप्सिकम फ्रूटसेंस का, उसका जो फल था वह यहाँ पर नीचे की ओर बेस की ओर चौड़ा था और ऊपर संकरा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना त्रिकोणीय नहीं है, नीचे इतना चौड़ा नहीं है और ना ही ऊपर की ओर ज़्यादा संकरा है। इसे हम बर्ड आई चिली कहते हैं। हमें इस वाले पौधे में ग्राफ्टिंग नहीं करना है, इस रूट स्टॉक रूप में नहीं लेना है। अगर हम ग्राफ्टिंग के लिए कंपेटिबिलिटी की बात करें तो ये वाला जो रूट स्टॉक है कैप्सिकम फ्रूटसेंस का, इसे हमें रूट स्टॉक के रूप में लेना है। और इसके साथ एक और रूट स्टॉक है जो कि कैप्सिकम फ्रूटसेंस का ही सब स्पीसीज है, उसे भी मैं अभी दिखाऊंगा। ये सामने हम मिर्च का पौधा देख रहे हैं, यह भी जंगली मिर्च का एक प्रजाति है, कैप्सिकम फ्रूटसेंस का एक सब स्पीसीज है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये जो फ्रूट है, जो हमने पिछले दो पौधे देखे उनमें जो फ्रूट्स लगे थे वो छोटे थे, लेकिन ये वाला जो ये फल लगा हुआ है ये जो नॉर्मल मिर्ची होता है कैप्सिकम एनम, उसी की तरह दिख रहा है, लेकिन ये कैप्सिकम एनम नहीं है, ये कैप्सिकम फ्रूटसेंस का मतलब जंगली मिर्च का एक सब स्पीसीज है और इसमें भी ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो हमने जो पिछला पौधा देखा जिसमें जो फल लगे थे उसका जो बेस था वो चौड़ा था और त्रिकोणीय था, कैप्सिकम फ्रूटसेंस, उसमें ग्राफ्टिंग करना है और इस वाले में हमें ग्राफ्टिंग करना है। जंगली मिर्च का ये जो प्रजाति है और पिछला वाला जो है जिसका फल त्रिकोणीय था, ये दोनों ही मिर्च में ग्राफ्टिंग के लिए कंपेटिबल रूट स्टॉक हैं और अच्छे से उसमें वर्क करता है, पौधे का ग्रोथ सही आता है और परफॉर्मेंस, यील्ड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और ये दोनों ही बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, और दोनों ही रूट स्टॉक पेरेनियल हैं। इसलिए जो हमारा फसल है, हमारा जो पौधा होता है ग्राफ्टिंग करने के बाद में, उसका जो लाइफ साइकिल है वो लंबा चलता है। तो जंगली मिर्च का ये प्रजाति जो मैंने पहले दिखाया था, जिसके ये जो फल होते हैं नीचे की ओर चौड़े और ऊपर की ओर संकरे त्रिकोणीय होते हैं, इसे हमें लेना है रूट स्टॉक के रूप में। और फिर ये वाला रूट स्टॉक जिसका कि ये फल जो है लंबा रहता है सामान्य मिर्च कैप्सिकम एनम की तरह, इसे भी रूट स्टॉक के लिए ग्राफ्टिंग में लेना है। और ये जो तीसरा पौधा है बर्ड आई चिली, इसे हमें रूट स्टॉक के रूप में नहीं लेना है। जंगली मिर्च कैप्सिकम फ्रूटसेंस का ये जो स्पीसीज है ये काफ़ी विग्रस होता है, इसीलिए और क्योंकि ये कंपेटिबल होता है, इसलिए हमें इसे ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक के रूप में लेना है, चिली के ग्राफ्टिंग में।